हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? देखो, एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है और मुझे विश्वास है कि जितने भी बच्चे CMA इंटर ग्रुप 2 के हैं, उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने सिलेबस की स्टडी कर ली है एंड वो रिवीजन कर रहे हैं। खासकर मेरे बच्चे जो क्लासेज टाइम पे लिए या देर लिए, उन्होंने अपने स्पीड को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके कोरोना के चक्कर से निकलते हुए इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन और उस पर आए हुए तरह तरह के वीडियो से बचते हुए उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना रिवीजन किया हुआ है। मेरे बच्चों, एग्जाम देने आप जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अब कुछ बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता के काम खत्म करूं और इन चीजों को आप दिमाग में लेकर एग्जाम देने जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन का क्या पैटर्न होगा, क्या गलती होगा, क्या सही होगा, सब कुछ दिमाग से निकालो। एग्जाम हम अच्छे तरीके से देंगे, एग्जाम में टेंशन ना हो, प्रेशर ना हो, बस इतना चाहता हूं। एग्जाम अच्छे से गया तो ठीक, अदरवाइज कोरोना अब खत्म होने वाला है, वैक्सीन आ गई है, अगली बार फिर से पेपर दे देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लाइफ थोड़े रुकने वाली, जब कोरोना ने जब हमें नहीं रोक पाया तो फिर ये एग्जाम हमें क्या रोकेगा। तो दिमाग शांत, आप एग्जाम दीजिए। मैं चाहता हूँ बस कि आपको प्रेशर ना हो किसी तरीके का दिमाग पे और आप पढ़ाई को ठीक से लेकर चलिए। बट एनीवे, मैं टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करता। कुछ अमेंडमेंट्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो आपके सिलेबस में है बच्चों को लेकर, उनको मैं दूर करता हूँ। पहले तो आपका बैंकिंग कंपनी के अंदर में एक CRR और SLR का रेट आपका क्या होगा वो आपको सुनना है। इस बार पिछले साल में कई बार रेट्स चेंज हुए, फ्रीक्वेंट चेंजेज हुए, तो पता नहीं रेट क्या होगा, मतलब ऐसा दिमाग में होगा। एंड जो वीडियो क्लासेज मेरे आपने लिए हुए एंड जिस रेट से मैंने आपको कराया हुआ है, वो रेट चेंज हो चुका है। आपके इंस्टीट्यूट के पास टाइम नहीं था वो ऑनलाइन क्लास के नोटिफिकेशन पे, वो आपका क्या बोलते हैं, वो फेसबुक पे पोस्ट डालना या ट्विटर, पता नहीं क्या क्या होता है, वहाँ पे पोस्ट डालने में बिजी थे। उन्होंने इस पे कोई नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला कि एग्जाम में कौन सा CRR या SLR का रेट अप्लाई करना है। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना कि आपका जो CRR का रेट होगा एग्जाम के लिए, वो आपका 3% होगा। जो मैंने वीडियो क्लास आपको दिया उसमें 4% के रेट से कराया होगा मैंने, तो आपको सारे प्रोविजन सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं, रेट आपको 3% का अप्लाई करना है। और जो आपका SLR होगा उसका रेट आपका 18% के रेट से अप्लाई करना है, सारे प्रोविजन सारे कौन से बिल्कुल सेम जो आपने स्टडी किया हुआ है। तो एक तो आपको ये चेंज दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना, CRR 3% और SLR आपका 18%। ऐसे चांसेज हैं क्योंकि एग्जाम में इस बार लगता है कि अगर इस पे क्वेश्चन बना तो रेट आपको दिया रहेगा, जो रेट दिया रहेगा उसी को फॉलो करना आप। अगर रेट नहीं दिया हुआ है तो इसके मुताबिक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, नहीं। तो मैं इसको खत्म करता हूं, ये काम हमारा खत्म हो चुका, ये मैंने आपको बता दिया। CRR 3%, SLR आपका 18%। नाउ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें एक बात बहुत ध्यान से मेरी सुनना, बहुत ध्यान से। हमारे जो CA वाले बच्चे हैं उनके लिए क्लास नहीं है मेरे बच्चे, तो अगर वो आगे की बात सुन रहे होंगे तो समझ लेना कि बस सुनना है, आपको अप्लाई नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे CMA वाले बच्चों के लिए है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को देखेंगे या फिर जो मैंने आपको वीडियो क्लास दिया है उसको देखेंगे, तो मैंने बताया कि देखो जी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसको राइट ऑफ करने का जो मैंने आपको एंट्री बताया है, याद कीजिए, हमने कहा था कि देखो जी, हमारे पास पहला ऑप्शन सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद सेकेंड ऑप्शन में हमने कहा हुआ है आपको फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व भी है, तो फ्री रिजर्व में मेन चीज पे आता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिटेड एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये एंट्री हमने आपको बताई हुई है और इसके मुताबिक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए और तरह तरह के क्वेश्चन देखें क्या निकल के आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, देखो, एक इस चैप्टर में तो कोई चेंज नहीं है, एक सेक्शन इंप्लीमेंट हुआ, सेक्शन 133। ये इसके डिटेल में नहीं जाता, ये जनरली उनके लिए जो इंडेक्स अप्लाई कर रहे हैं कंपनीज, आप फाइनल में आएंगे तो मेरे साथ ठीक से आप पढ़ेंगे उसके बारे में। फिलहाल समझ लेना कि जितनी भी कंपनीज आपको जो सेक्शन 133 के अंदर में कवर्ड है उनके लिए मेरे बच्चे इस एंट्री में चेंज किया गया है।
सेक्शन 133 में आने वाली कंपनी जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करेंगी, यानी कि टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जब ये राइट ऑफ किया जाएगा, तो इनके पास ऑप्शन में मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपका फ्री रिजर्व है, सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व और कुछ भी नहीं। मतलब सेक्शन 133 में आने वाली कंपनी के लिए जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका ऑप्शन था वो ऑप्शन नहीं है। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में उन्होंने इस बात को सिर्फ टू लाइंस में मेंशन किया हुआ है और कुछ भी नहीं। आप जब उनके सारे सॉल्यूशन देखेंगे, इलस्ट्रेशन देखेंगे जो उन्होंने पूरे स्टडी मटेरियल में समझाया है, तो वो इसको मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। मतलब कि कंपनी सेक्शन 133 के अंदर कवर्ड नहीं है, ये मानते हुए उन्होंने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को आप देखेंगे इस तरीके से किया है। मैंने भी आपको वही काम कराया है जो मेरे सीए वाले बच्चे हैं, सीए वाले बच्चे उनके स्टडी मटेरियल में सेक्शन 133 कंप्लीटली अप्लाइड है, तो उनको मैंने इस तरीके से क्लासेज भेजी हैं। ये बात आपको ऑलरेडी पता है बिना किसी डाउट के। नाउ मैं आता हूं आपके लिए, यानी कि हमारे सीएमए इंटर ग्रुप टू कंपनी अकाउंट्स के बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको कुछ ना बोले और एग्जाम में आ जाए कि भैया आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपने जिस तरीके से स्टडी किया है वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने मेंशन कर दिया क्वेश्चन के अंदर में कि कंपनी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 133, मतलब वो कंपनी इन डेज को फॉलो, चलो उसका भी डिटेल में क्यों जाऊं, एग्जाम पास आ गया है, अगर वो कंपनी सेक्शन 133 के अंदर में कवर्ड है, अगर इतनी बात वो कह दे, तो फिर प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आप ये एंट्री करेंगे। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, समझ मेरी बात ना। और हाँ, इसके चक्कर में कहीं भी कोई चेंज नहीं, आपके प्रेफरेंशियल्स फुली पेड अप होने चाहिए रिडम्पशन के पहले, आपके पास सीआरआर बनाना है, उसके फ्री रिजर्व्स के ऑप्शंस आपके पास हैं जी, आपको फुली पेड अप शेयर्स को करना है, सब कुछ आपने जैसे पढ़ा है वही पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सेम वही है। बस एक चेंज आपको यहाँ पे निकल के आता है। मैं चाहता नहीं कि हमारे बच्चे किसी तरीके से परेशान हो, तो मैंने इसमें तीन चार क्वेश्चन करा देना है ताकि आप प्रॉपर तरीके से बात समझ जाए। लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, जो मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन क्वेश्चंस को आपने क्लास में मेरे साथ किया हुआ है बिल्कुल वैसे ही पढ़ना आपने। अगर क्वेश्चन सिर्फ कह देगा कि कंपनी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 133 या फिर मेक एंट्रीज एज्यूमिंग कंपनी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 133, तो ही आपको इस ऑप्शन को लेकर चलना है, बाकी सब कुछ सेम मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो मैं ऐसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नीचे में जब आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो इसके पीडीएफ का लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है ना, वो एक्चुअली मैंने सीए इंटर वाले बच्चों के लिए बनाया हुआ है, लेकिन उस पूरे पीडीएफ में जितने क्वेश्चन अभी क्लास में आपके साथ कराऊंगा उतने क्वेश्चन मेरे साथ कर जाना, ताकि इस पे भी आपका हाथ बैठ जाए और कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। तो आओ जरा हम पहले इस पे आते हैं एक दो क्वेश्चन करने के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो स्टडी जो अभी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है इस नोट्स का, ये सीए इंटर वाले बच्चों के लिए है ना। लेकिन क्योंकि उनके लिए पूरा पूरा मैंने स्टडी में डेवलप चेंज कर दिया था 133 के मुताबिक, आपको क्या करना है, जिन जिन क्वेश्चंस को अभी बोर्ड पे करा रहा हूँ सिर्फ वही करना है, बाकी आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि कोई चेंज है नहीं, स्लाइड सा चेंज है सिर्फ इस एंट्री को राइट ऑफ करने के लिए। तो आओ जरा जल्दी से मेरे साथ बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, मतलब डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स है उसका क्वेश्चन नंबर 3 तो पढ़ेंगे मेरे साथ। अभी इस पे आऊंगा, पहले 3 क्वेश्चन पढ़िए, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ जल्दी से। कहता है कि बैलेंस शीट ऑफ, मतलब डिस्क्रिप्शन से पहले नोट्स डाउनलोड कर लेंगे आप, पहले नोट्स को अपने पास रखें और फिर ये क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे आप, ठीक है, जितने कराऊंगा उतना ही करना आपने। बैलेंस शीट ऑफ विवेक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च इज एज फॉलो, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट है, फिक्सचर से मोटर वैन है, स्टॉक डेटर्स इन्वेस्टमेंट बैंक। लायबिलिटी साइड में कहता है कि प्रेफरेंस शेयर से 50,000 ऑफ रुपीज 20 ईच, और ये 10 लाख का अमाउंट है, 90,000 इक्विटी शेयर से 20 इच फुली पेड अप 18 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख का अमाउंट है, जनरेटर कहता है कि 4 लाख से, प्रॉफिट लॉस 5 लाख एंड करंट लायबिलिटी कहता है कि 6 लाख। नीचे कहता है कंपनी एक्सरसाइजेज इट्स ऑप्शन टू रिडीम ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, 5% के प्रीमियम पे आपने रिडीम करना है। कहता है कि ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, टू फाइनेंस द रिडेम्पशन ऑल द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड रियलाइजिंग 5,60,000, अ फ्रेश इशू ऑफ 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, मतलब इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 वाज मेड
एट रुपीज 24 पर शेयर पेबल इन फुल ऑन 1st अप्रैल. These were duly subscribed and the full amount was received on that date. Directors wish that only minimum reduction be made in revenue reserve. ठीक है, you are required to draft the entries including those relating to cash, record the above transaction and set out the balance sheet. बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा, जैसे आपने पढ़ा हुआ पहले से एग्जैक्टली सेम है मेरे बच्चे. यहाँ पे चेंज क्या, सिर्फ एंट्री में मैं आपको दिखाता हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मेरे साथ आप सोल्यूशन कर रहे हैं, आपका सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू का, क्वेश्चन नंबर टू माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री का, यानी जो नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर थ्री का आप सोल्यूशन देख रहे हैं. कहता है, पढ़ेंगे आप, मैं स्टार्ट करता हूँ. पहले तो हमने आपको बताया हुआ है कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहले विल अप्लाई सोचते हैं, है ना बच्चे. तो मैं यहाँ पे पहले वर्किंग नोट्स में आपके साथ ना जितनी एंट्री हमारी होने वाली हैं, है ना, उनको हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि आखिर कैसे कैसे क्या क्या एंट्रीज होंगी. ठीक है, वर्किंग नोट्स के अंदर में एक तो हमें यहाँ पे सेक्शन 55 कंप्लाई करना है, सेक्शन 55 कंप्लाई करना है, और एक हमारा यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, एक हमें यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए. तो हमने यहाँ पे लिख लिया है ना, ये हमारा वर्किंग नोट्स चलेगा यहाँ पे, और थोड़ा जगह भी छोड़ देता हूँ जो मुझे एग्जामिनर को दिखाना है. और यहाँ पे सॉल्यूशन में विल स्टार्ट पासिंग जर्नल एंट्रीज, तो लिखो ना जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज. ये एंट्रीज किसके बुक में होगा जी, इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ, क्या नाम है इसका, कंपनी का नाम बताइए, विवेक लिमिटेड, विवेक लिमिटेड. ठीक है ना सर, एग्जाम में हम लोग क्या, ये जो लाइनिंग आप कर रहे हो ये पेन पे, उससे क्या बोलते हैं जी, स्केल से करे क्या करे, आप क्यों पूछ रहे हो, इंस्टीट्यूट ने आपको तो बोला ही सब कुछ. आप मेरे साथ करो ना, सिंपली एंट्री कीजिए, है ना, यहाँ भी कुछ रिक्वायरमेंट है बट एंट्री करो आप. पहला एंट्री कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं. चेक कीजिए क्या बैलेंस शीट में जो प्रेफरेंस शेयर से फुली पेड अप है, ये सर. तो पहली एंट्री आपका यहाँ पे क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. ठीक है ना, आपका रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, मुझे मैंने यही चीज समझाना है आपको. तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड. एंड टू आपने कहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर. तो मुझे ये बताइए कि आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कितना है. इट्स 10 लाख का अमाउंट, हमने यहाँ पे 10 लाख का अमाउंट ले लिया. आप मुझे बताओ रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, प्रीमियम कितना है, 5%. तो 10 लाख का 5% यानी कि 50,000 का अमाउंट, यानी कि हमें 10 लाख एंड 50,000 का अमाउंट यहाँ पे करना है. कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर. तो मैं लिख लेता हूँ, हमें ये जो सेक्शन 55 कंप्लाई करना है ये हमें 10 लाख रुपीज से करना है, और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है मेरे बच्चे ये 50,000 से राइट ऑफ करना है. कोई डाउट इसमें, नहीं सर. हमने आपको बताया है कि जिन एंट्रीज को बड़े आराम से आप कर सकते हो पहले कर लो, उसके बाद हम सोचना शुरू करेंगे. तो जैसे कहता है कि इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया 560 पे, मेरे प्यारे बच्चों 6 लाख का इन्वेस्टमेंट था और 6 लाख के इन्वेस्टमेंट को आपने 560 में बेचा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में हमारे पास अमाउंट कितना आ गया, 5,60,000 लॉस हो गया ना. लॉस हम क्या करेंगे, फ्री रिजर्व से राइट अप करेंगे. फ्री रिजर्व में हमारे पास नाम दिख रहा है जनरल रिजर्व का, प्रॉफिट लॉस का. मैंने कहा है कि हम किसी को भी पहले बाद में यूज कर सकते हैं, बट अच्छा होता है पहले हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को यूज करें. अब रीजन आज थोड़े पूछोगे, अब तो एग्जाम पास आ चुका, सब बता चुका हूं आपको. तो 40,000 का अमाउंट हमने यहाँ पे क्या किया, इससे राइट ऑफ किया. एंड टू आपने कहा क्या जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट कितने का, 6 लाख रुपीज का. कोई डाउट इसमें, नहीं सर. तो पहली दूसरी एंट्री हमने पास कर लिया. तीसरी एंट्री हम क्या करेंगे जी, चेक करो कोई और एंट्री है जो आप आराम से कर सकते हो. ये सर, वो कहता है कि फ्रेश इशू ऑफ 10,000 ऑर्डिनरी, मतलब इक्विटी शेयर्स, 20 रुपीज वाला इशू किया 24 के हिसाब से. तो आपने बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड. आपने यहां पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट.
और हमें यहाँ पे लिखना है टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दो या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग सेम है आपका। तो जो बैलेंस शीट में नाम दिया रहेगा, अगर बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम को लिख देना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा तो उसको लिख देना, मीनिंग सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, 20 वाले यानी कि जो शेयर्स इशू हुए वो 2 लाख रुपीज के हैं। यहाँ पे प्रीमियम जो आपके पास आया, प्रीमियम हमने रिसीव किया 4 रुपीज पर शेयर, 20 के शेयर 24 के हिसाब से, तो 10,000 × 4 है ना बच्चे, तो 10,000 × 4 आपका 40,000 का अमाउंट हो गया एंड टोटल बैंक में पैसे कितने आ गए, 2,40,000। इसमें कोई डाउट नहीं सर। फोर्थ एंट्री पे आप आइए, फोर्थ एंट्री पे कहता है क्वेश्चन के अंदर में कि देश वे ड्यूली सब्सक्राइब एंड फुल अमाउंट रिसीव हो तो कर लिया हमने, डायरेक्टर्स विश दैट ओनली मिनिमम रिडक्शन टू बी मेड इन रेवेन्यू रिजर्व। ऑब्वियस बात है मिनिमम ही तो होगा, जितना हमारा सेक्शन 55 इन एंट्री से कंप्लाई हो गया ठीक है, बाकी हम वहां से यूज कर लेंगे। बोलता बताओ अब हम स्टार्ट करेंगे, सोचते हैं। ये देखो आप, हमें यहाँ पे जो मेरे बच्चे अमाउंट आपका है, यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपका, हमें इसको 10 लाख से कंप्लाई करना है और ये 50,000। मुझे बताओ कि क्या क्वेश्चन ने कहीं पैसे के बारे में सोचने के लिए आपको बोला है? नहीं बोला, तो हम वो छोड़ देंगे। हम स्टार्ट करते पहले यहां से सोचना, यहीं से करते हैं ना, ये कहां से, क्योंकि अब ये एज्यूम किया जा रहा है, याद रखना मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में हमेशा लिखा आएगा कि एज्यूम दैट कंपनी इज कवर्ड अंडर 133, तभी मैंने बच्चे सॉल्यूशन करना है, अदरवाइज जो आपने क्लास में ऑलरेडी मुझसे पढ़ाया उसके हिसाब से सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। तो आप देखिए जरा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस 50,000 को हमें पहले इसके बारे में सोचना है। तो मैं क्या करूंगा, ये कहां से आएगा, हमारे पास प्रॉफिट लॉस है। कितना प्रॉफिट लॉस है? 5 लाख का अमाउंट, 5 लाख का प्रॉफिट लॉस था, 5 लाख में आपने ऑलरेडी 40,000 का अमाउंट यूज कर लिया, तो मेरे बच्चे हमारे पास 460 का अमाउंट अभी प्रॉफिट लॉस में है। तो 460 का है ना, यानी कि पूरा का पूरा अमाउंट आप क्या करेंगे, ये आपका इसको आप यहां से यूज कर लेंगे। तो 460 में 50 चला गया, यानी कि अभी भी 4,10,000 का अमाउंट पड़ा हुआ है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम को अब हमें यूज नहीं करना, इवन दो बैलेंस शीट में 2 लाख का अमाउंट दिख रहा है, इतनी सी बात है ना। तो अब आओ ना, फिर हम इस 10 लाख से कंप्लाई करेंगे जी। आप मुझे बताओ 10 लाख में से जो कंप्लाई करना है उसमें आपने जो इश्यू किया, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, मुझे बताओ इक्विटी शेयर्स इशू करके कितने से कंप्लाई हो गया? ये कंप्लाई हो गया 2 लाख का। मैंने बताया हुआ है कि अगर इशू प्रीमियम पे होगा तो कंप्लायंस आपका फेस वैल्यू यानी कि 2 लाख रुपए से माना जाएगा। ये लीजिए 2 लाख से कंप्लाई हो गया। तो अभी भी मेरे बच्चे मुझे 8 लाख रुपए से कंप्लाई करना है सेक्शन 55, और इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, CRR। जो आप CRR बनाओगे 8 लाख से, तो हम लोग देखते हैं जी, पहले हम प्रॉफिट लॉस को यूज कर लें। मुझे बताओ प्रॉफिट लॉस में कितना बच गया, 4,10,000। तो पूरा 4,10,000 हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं कि हमें प्रॉफिट लॉस में इतना पैसा छोड़ना है, कोई डाउट नहीं सर। इसके बाद आप क्या करें, बाकी का जो अमाउंट है वो जनरल रिजर्व से आप इसको निकालिए। तो हमें 8 लाख से कंप्लाई करना था, 4,10,000 यहाँ से हो गया, तो वी नीड मोर 3,90,000। एक बार चेक करो कि क्या जनरल रिजर्व में आपके पास 390 का अमाउंट है कि नहीं। सर है सर, 4 लाख का अमाउंट पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर ना होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे, पक्का होगा, टेंशन नहीं लीजिए आप। तो बस काम खत्म हो गया, अब हमें इन्हीं बातों को एंट्रीज में लेकर आना है। आओ ना मैं शुरू करता हूं। पहले मैं प्रेफरेंस वालों का पेमेंट कर दूं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सर एग्जाम में नरेशन लिखे कि ना लिखे, लिख देना, क्या जाता है नरेशन लिखने में, बट मैंने आपको बताया हुआ कि पहला टारगेट आपको सारे क्वेश्चन को खत्म करना होना चाहिए। जब सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, टाइम बचा, तो आप नरेशन लिखना। ये मैंने 50 लिखा हुआ, 10,50,000। इसके बाद मैं पांचवी एंट्री यहां कर देता हूं। फिफ्थ एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, तो फिफ्थ एंट्री में, अच्छा सॉरी माफ कीजिए, ये एंट्री आपका नहीं होगा, पहले आपका फोर्थ एंट्री सेक्शन 55 कंप्लाई करने का मतलब ये करूंगा। तो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड है ना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड एंड टू आपने कहा CRR अकाउंट,
सीआरआर अकाउंट। मेरे बच्चे प्रॉफिट लॉस से 4,10,000, 3,90,000 का अमाउंट आपने यहां से निकाला और आपने 8 लाख रुपीज का बना दिया यहां पे सीआरआर। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। पांचवी एंट्री हमारी ये हो जाएगी प्रेफरेंस वालों को पे करने का, और सिक्स एंट्री में आप इनको राइट ऑफ कीजिए। तो ध्यान रखना, राइट ऑफ करने के लिए नाउ वी डू नॉट हैव ऑप्शन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू आपने क्या बोला, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, है ना सर। एग्जाम में अगर ना बताए कि कंपनी आपका सेक्शन 55 के अंदर कवर्ड है, सॉरी सेक्शन 133 में कवर्ड है कि, तो हम फिर क्या करेंगे? फिर तो मेरे बच्चे आपका जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए गए ना सॉल्यूशन में, मतलब वो बिना ये मानते हुए जैसे हम क्लास में किए हैं उसी को फॉलो करेंगे। और उसमें भी क्या है, यहाँ पे ऑप्शन हमारे क्या होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के भी आ जाते हैं। बाकी में तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ठीक है, थर्ड करा दिया मैंने, और भी कुछ क्वेश्चंस रखे हैं आपके पास, आ जाओ एक बार हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने किया हुआ है, बट ये हमने किया हुआ है जी आपका उसके लिए क्या बोलते हैं, या 5 छोड़ो, मैं आपको करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, है ना, थोड़ा और आपको रिविजन भी हो जाएगा। और आपको ये पता सबसे अच्छी बात क्या है, वो जो एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं होता था, मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर 21 जहाँ पे इक्वेशन बनाया करते थे, वो यहाँ पे वो बनाना ही नहीं है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं मेरे बच्चे। पता है क्यों? क्योंकि वो कहाँ चला गया, वो जो इक्वेशन बनाना था ना बच्चे, वो तब होता जब प्रीमियम का यूज आता। सेक्शन 133 आने के बाद से आपका एल्जेब्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे है ही नहीं। तो नाउ बिकम वेरी सिंपल, आपको सोचते हैं हमें आना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिक्स क्वेश्चन पे आ जाइए, सिक्स क्वेश्चन, कुछ है थोड़े दम आपको यहाँ पे, कहता है सिक्स पढ़ेंगे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अजंता लिमिटेड एज ऑन 30th June 2019, फिक्स सेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक, डेटर्स बैंक, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर से 30,000 के, इक्विटी है 60, सिक्योरिटी प्रीमियम है। देखता हूँ मन ललचाता है, बट अब इसको देखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे जब सेक्शन 155 के, माफ कीजिए, सेक्शन 55 मतलब इस चैप्टर के अंदर में अब ये अमाउंट यूज नहीं किया जाएगा टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अगर कंपनी कवर्ड है अंडर सेक्शन 133, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन कह देगा कि 133 में कवर्ड है तो ही इसको लेके चलना है, अदरवाइज जो क्लास में पहले से पढ़ा है मेरे बच्चे उसी को अप्लाई करना है, ये आपको बता चुका हूं। सुनो ना ध्यान से यहाँ पे क्या बता रहा है, कहता है कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है यहाँ पे 29,000 का, रिजर्व है जनरल रिजर्व 40,000, प्रॉफिट लॉस एंड क्रिएटर्स है। कंपनी एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन टू रिडीम ऑन 1st July 2019 द होल ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल एट ए प्रीमियम ऑफ 10% टू असिस्ट इन फाइनेंसिंग द रिडम्पशन, ऑल द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड रियलाइजिंग ₹25,000। और कहता कि कंपनी मेड बोनस इशू ऑफ 3 for every 10, तो मैं बोनस इशू वाली एंट्री तो नहीं कराने वाला, वो ऑलरेडी आपने किया, उसमें कोई चेंज ही नहीं है, और आपने बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ पढ़ा हुआ है, सिर्फ 5-10 मिनट लेकर मैं आपको ये 133 का रिविजन करा दे रहा हूँ, और कोई खास मोटिव नहीं है। तो आ जाओ यहाँ पे सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का फटाफट, मैं सिर्फ एंट्री पता कौन सा करूंगा, मैं करूंगा आपका ये जो ये क्या बोलते हैं ये जी रिडम्पशन वाली एंट्री करूंगा बस। तो क्या प्रेफरेंस शेयर्स पहले से फुली पेड अप है? हाँ, तो इसमें करूं क्या, कुछ है नहीं करने को, फिर भी कर लो एक बार, कोई बात नहीं कराऊंगा। सिक्स में कुछ है नहीं, सेम क्वेश्चन जैसे था वो, मैं थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन ढूंढता हूँ आपके लिए, क्योंकि टाइम बर्बाद करना ठीक नहीं रहेगा ना। हाँ, सेवन कर लेते हैं, अच्छा है, सेवन कर लो मेरे साथ, इसको मैं मिटा देता हूँ और सेवन कर लो, ठीक है ना, सेवन अच्छा रहेगा। तो सेवन जरा पढ़ो मेरे साथ, यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा प्रैक्टिस करने में, जो आपको रिक्वायरमेंट है। कहता है कि फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ पी लिमिटेड एज ऑन 31st December वाज एज फॉलो, अदर असेट्स एंड कैश एंड बैंक। फिर आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 10 वाले फुली पेड अप, 20,000 कहता है इक्विटी शेयर से ₹10 वाले, सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट लॉस है, सन्ड्री लायबिलिटी एज पर टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दीज वे रिडीमेबल एट ए प्रीमियम 5% ऑन 1st April 2020, ठीक है, इनको रिडीम होना चाहिए 5% प्रीमियम पे। तो मैं एंट्री करूं क्या, फिर सोचते उधर देख लेंगे। आओ ना, पहली एंट्री, आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कीजिए, आप डेबिट करेंगे यहां पे प्रीमियम
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट करेंगे, एंड टू आप लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, होल्डर अकाउंट, ठीक है ना। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास कितना है, वो कहता है कि 4 लाख रुपीज का अमाउंट है ना बच्चे बैलेंस शीट में। तो एक तो ये 4 लाख का अमाउंट, ठीक है। आप मुझे बताओ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना बता रहा है, इट्स 5%। तो 4 लाख का 5% यानी कि 20,000 का अमाउंट, ये आ गया 4,20,000। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। दूसरी एंट्री पे आप आएंगे, सेकंड एंट्री पे। सेकंड एंट्री के अंदर में आपने क्या करना है, जो बोलता है पहले वो एंट्री कर ले। तो कहता है कि इट वॉज डिसाइडेड टू अरेंज दिस एज फॉर एज पॉसिबल आउट ऑफ कंपनीज रिसोर्सेज सब्जेक्ट टू लिविंग ए बैलेंस ऑफ 30,000 इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्लियर। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू रेज बैलेंस अमाउंट बाय इशूइंग 17,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2.5 पर शेयर। कहता है कि इट वॉज ऑल्सो, मैंने क्वेश्चन चेंज किया जो बुक में उसके मुताबिक आपका कहता है कि भैया 17,000 शेयर्स इशू करना, ठीक है, ठीक है, मैं इनकी बात मानता हूं। और एक काम करते हैं, पहले यहां पे आते हैं और लिखते हैं सोचते हैं, है ना, सोचते हैं। क्या सोचूंगा, हमें दो बात पे सोचना, ऐसे तीन बातें सोचनी होती है, लेकिन मैंने कहा है कि पैसे के बारे में तभी सोचेंगे जब क्वेश्चन बोलेगा, अदरवाइज हमेशा आपको एक तो सेक्शन 55 के बारे में सोचना है, और आपको सोचना है यहां पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के बारे में। ये दो बातें, मुझे सेक्शन 55 कंप्लाई करना है 4 लाख रुपीज से, है ना, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ करना है 20,000 का अमाउंट। बहुत ध्यान से मेरे बात को सुनना यहाँ पे क्वेश्चन में। पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि और कोई एंट्री दिख नहीं रहा है जो हम कर सकते हैं, 17,000 वाली एंट्री हो सकती है, बट पहले कोई बात नहीं, जो मकसद है क्वेश्चन का वो समझ लेते हैं। कहता है कि प्रॉफिट लॉस में आपको 30,000 का अमाउंट छोड़ना है, प्रॉफिट लॉस में 30,000 का अमाउंट छोड़ना है। तो मेरे बच्चे मैं स्टार्ट करता हूँ, सुनो ना, ये जो 20,000 जो हमें राइट ऑफ करना है, ये कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट लॉस है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, लेकिन क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि कंपनी 133 में कवर्ड है, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं करेंगे, और ये आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ही यूज करना है 20,000। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, ये तो काम हो गया, इसकी एंट्री कंप्लीट। नाउ जो आपका 280 का अमाउंट है, उसमें से 20,000 का अमाउंट हटा दो, तो हमारे पास अभी प्रॉफिट लॉस में कितना बच गया, 260, ठीक है, 260 बच गया। 260 में कहता कि प्रॉफिट लॉस में आपको 30,000 छोड़ देना है। तो मेरे बच्चे यानी कि अगर ऐसा होता है तो यहां पे जो हम लोग CRR बना सकते हैं, क्योंकि कह रहा है पहले CRR बनाना है, अपना रिसोर्स यूज करना है, तो कितना हमारे पास प्रॉफिट लॉस में टोटल अमाउंट कितना था, 280,000। 280 में से हम लोग ऑलरेडी कितना यूज कर चुके हैं, 20,000 हटा दो। उस 20,000 को यूज करने के बाद जरा मुझे बताओ आपने और इसमें कितना मिनिमम बैलेंस छोड़ना है, 30,000, हमने वो भी छोड़ दिया 30,000, और बाकी अमाउंट हम यूज कर सकते हैं CRR के लिए, है ना। तो जरा बताओ CRR जो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट से बनेगा कितना, 260 माइनस 30 का अमाउंट है ना बच्चे, 280 माइनस 260 230 का अमाउंट, तो 230 का CRR बना लेंगे, और आपको 1,70,000 आपको और पूरा करना है जी। इसके लिए न्यू इश्यू करना होगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि न्यू इश्यू करने के लिए आपका जो इक्विटी शेयर्स इश्यू होगा वो ऑलरेडी उसने नंबर बता दिया। काश वो नंबर ना बताता तो मैं नंबर निकालता, वो कहता है कि 17,000 शेयर्स इशू किया जाएगा 10 रुपीज वाले, तो आपका 1,70,000 का अमाउंट खत्म होगी बात। काश ये नंबर ना बताता तो मैं निकाल लेता, मुझे निकालने आता है। आप जानते हो ना कि जितने से आपको कंप्लाई करना है उसको, जब इशू नया इशू अगर प्रीमियम पे होता है तो भी हम फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स को निकालने के लिए, हमने अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पे जी पूरा कंप्लाई हो चुका, इसकी एंट्री बनानी है, आओ ना एंट्री बनाते हैं। तो मैं पहले काम करता हूँ, हमें पहले इनको पेमेंट करने के पहले इन सारी एंट्री को लेकर आ जाए। तो पहले आपको CRR बना लीजिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड, है ना, कितने का, 230। सब कुछ पहले ही आप अपने वर्किंग नोट्स में सोचते, ये मैंने बोला सोचते मत लिख देना आप, ये डायग्राम बनाना, बट ये मत लिखना, एग्जामिनर परेशान हो जाएगा, आपको सिर्फ ये काम करना है वर्किंग नोट्स में। तो 232 CRR अकाउंट, और ये अमाउंट आपका कितना हो गया, 2,30,000। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर।
इसके बाद मेरे बच्चे जो थर्ड एंट्री आपको करना है, ये नए इश्यू करने का क्वेश्चन ने आपको बोल दिया, तो हम वो एंट्री कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, आपने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इश्यू क्योंकि प्रीमियम पे हो रहा है तो आपका टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है ना। देख रहे हो कहीं कोई चेंज नहीं, एक छोटा स्लाइड वहां पे प्रीमियम का ऑप्शन खत्म हो जाएगा और कुछ खास थोड़ी है। तो मेरे बच्चे ये 170,000 के शेयर्स इशू हुए और ये जो 17,000 शेयर्स है इशू किया गया ढाई रुपए के प्रीमियम पे, 17,000 इंटू 2.5 दैट कम्स टू 42,500। तो 42,5 प्लस 170 ये आपका 2,12,500 का अमाउंट। याद रखना मैंने आपको बताया कि पैसे के बारे में तभी सोच रहे जब क्वेश्चन बोलेगा, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमने काम पूरा किया, सेक्शन 55 कंप्लाइड। चौथी एंट्री में हम प्रेफरेंस वालों का पेमेंट कर देंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट आप बताइए कितना पेमेंट हमने किया जी, ये 420, तो 4,20,000 आपने पे कर दिया। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, ये खत्म। और पांचवी एंट्री में अब हम लोग क्या करेंगे, विल राइट ऑफ दिस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो ऑप्शन अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व का होता है। फ्री रिजर्व में जो भी नाम लिखा हमने, जैसे कि प्रॉफिट लॉस है, जनरल रिजर्व है, नहीं दिख रहा क्या, प्रॉफिट लॉस है, जनरल रिजर्व है, बताया था ना, वो सारे ऑप्शन आपके रहेंगे जो भी नाम दिया था। तो प्रॉफिट लॉस टू यहाँ पे चला जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब देख रहे हो सिर्फ इस एंट्री में आपका चेंज निकल के आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग आपका सिक्योरिटी प्रीमियम टू राइट ऑफ दिस प्रीमियम रिडेम्पशन अगर कंपनी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 133, है ना, बस खत्म। कुछ और क्वेश्चन कराने के लिए है नहीं बच्चे, सारे कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। ये दो क्वेश्चन मैंने करा दिया, जहां थोड़ा चेंज आ सकता है वो मैंने बता दिया। कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है आपका, है ना। मैं एक बार देख लूं क्या और कोई क्वेश्चन आपके लिए, नहीं, नाउ यू नो एवरीथिंग, सब कुछ करा चुका हूं, कुछ भी इसके अंदर में नया नहीं है, ये भी काम खत्म हुआ। ऐसे ही आपको यही जितने क्वेश्चन मैंने करा दिया आपका मोर देन एनफ है प्रैक्टिस के लिए। यहां पे आप देख लेना इक्वेशन का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि याद कीजिए इक्वेशन वाले में जो मैंने केसेज कराए थे एंड जो कंडीशन लिखाए थे वो तब थे अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मनी इनसफिशियंट है टू पे ऑफ रिडम्पशन आपका प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो यहां तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज ही नहीं है, तो इट दैट बिकम्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही करेंगे आप, ठीक है। तो ये भी खत्म किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और तीसरी बात जो आपको समझना मेरे साथ, वो है आपका अब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के बारे में। सुनना मेरी बात, आप में से बहुत सारे बच्चे इसके बारे में मुझसे डाउट सेशन के टाइम पे एक अजीब सी क्वेरी रेज करते हैं और वो लाजमी है आपका पूछना। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे मेरे बच्चे। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में आपका एक अमेंडमेंट आया जो आप लोगों को पढ़ाया था मैंने क्लास में और जो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिया हुआ, दैट इज रूल 2014, शेयर डिवेंचर रूल 2014, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया है। और याद कीजिए उसमें हमने क्या पढ़ा था कि DRR जो होगा, DRR मैंने आपको बताया था कि हमारा DRR जो बनेगा वो कितना बनेगा जी, आपका 25% एटलीस्ट, है ना। और DRI जो आपका होगा, DRI ये आपका था 15%, याद होगा आपको, ये हमने पढ़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। वो रूल 2014 को अमेंड करके 2019 रूल में चेंज किया गया एंड 2019 रूल में क्या हुआ कि एक स्लाइट सा चेंज, वो चेंज क्या मैं बता दूं कि जो DRR का रेट है ना वो 25% नहीं, वो रेट अब आपका हो गया 10%। 10% बनाना DRR कंपल्शन है, DRI आपका सेम है, सेम तरीका, सेम रूल, सब कुछ, बट रेट चेंज हो चुका है। लेकिन इन रेट्स को आपको अप्लाई नहीं करना, ये रेट आपको अप्लाई नहीं करना, आपके लिए यही रेट है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट ने अभी तक अपने स्टडी मटेरियल को अपडेट नहीं किया। वो कहते नहीं मेरे बच्चे जो है ना वो अच्छे बच्चे, वो इसी को पढ़ेंगे, वो अभी नया रूल लेकर अमेंड नहीं किया। ना इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल को अपडेट किया, नहीं कोई सप्लीमेंट्री है इसके ऊपर में, मतलब कोई ये रूल चेंज हुआ उसके बारे में भी नहीं वो बताते,
एक्चुअली बहुत बिजी हैं, आपके एग्ज़ाम पैटर्न घर का हो कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न वो ऑनलाइन हो कि क्या हो, और जितने भी बोर्ड ऑफ स्टडीज में जो स्टडी मटेरियल को डेवलप करते हैं वो जो टीम है वो टीम इतनी बिजी है कि उनके पास टाइम ही नहीं मिला पिछले दो डेढ़ दो साल से एटलीस्ट, ठीक है ना। तो उनको करने दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सीए वाले जो मेरे बच्चे हैं वो नए रूल को स्टडी कर रहे हैं जो मैंने उनको बताया हुआ है। हमारे सीएमए वाले बच्चे, क्योंकि एग्जाम में आपको अपने स्टडी मटेरियल को अपने इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन को आपको फॉलो करना होता है, आपके लिए अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो आपको इन्हीं चीजों को स्टडी करना है, मतलब जो क्लास आपके पास गई है उसी को फॉलो करना है, कोई चेंज नहीं एट ऑल, वही पढ़ते चले जाना, वही पढ़ते चले। जब ये चक्कर से कोरोना के चक्कर, हो सकता है कि, मुझे ये भी नहीं पता, हो सकता है कि उनका जो बोर्ड ऑफ स्टडीज का टीम है उसमें जितने भी मेंबर थे, शायद हो सकता है कि भगवान ना करे ऐसा हो बट कोरोना हो गया हो इसलिए उनके पास टाइम नहीं मिला हो पिछले डेढ़ दो साल से इसको अमेंड करने का। बट एनीवे कोई बात नहीं, हम लोग जब बड़े हो जाएंगे फाइनल में आ पाएंगे और उस समय तक वो चेंज हो गया तो हम वहां पे सीख लेंगे क्या फर्क पड़ता है, या फिर रियल लाइफ में जाएंगे तो रेट ही तो चेंज करना, बाकी सारे कॉन्सेप्ट तो आपके सेम ही है। बट एनीवे आपके लिए मैं बता दूं, किसी भी मेरे या किसी भी दूसरे सीए वाले बच्चे से अगर आप डिस्कशन करते हो वो कहते हैं कि नहीं जी ये रेट है, आप उनकी बात मत मानना, मुझ पर विश्वास रखना, आपको वही काम करना है, ठीक है ना। हाँ, काम आज का खत्म हो गया, इसी चीज को बताने के लिए मैं आपके पास आया हूं मेरे बच्चे। आपको मैंने समझा दिया क्या क्या चीजें हैं, सीआरआर एसएलआर का रूल रेट क्या होगा, आपका प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन में क्या समझना, बाकी जितनी क्लासेज मेरी आपके पास गई हैं, जितना आपने स्टडी किया है चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, उससे हटके कुछ आ ही नहीं सकता। इंस्टीट्यूट का कोई भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम लोगों ने छोड़ा हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत किया है, और जो मेहनत आपने मेरे साथ आपके ग्रुप टू में किया है इसका रिजल्ट आपको पता चलेगा फाइनल के अंदर में। जब आप मेरे साथ फाइनल में आएंगे तो देखेंगे कि वहां पे कितना कॉन्सेप्ट आपका पहले से स्ट्रॉन्ग है कई जगहों पे, तो आप एंजॉय करेंगे फाइनल को, मुझे विश्वास दिलाता हूँ, एटलीस्ट मेरे पेपर को, एफआर को आपका। एक बात और आपको बता दूं मैं कि आप जब अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को देखेंगे तो खासकर चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में उन्होंने क्या किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा आपका A3 के मुताबिक पढ़ाया है जो मैंने आपको बताया, और लास्ट में उन्होंने क्या किया है, एक शॉर्ट उन्होंने Ind AS 7 के बारे में थोड़ा सा लिख दिया है। ऐसे उन्होंने बदमाशी कई जगह की है बट आप उसके चक्कर में ना पड़े, मैं Ind AS 7 का बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं ताकि आप परेशान ना हो कि मतलब ये क्या चीज है, ध्यान सुनना कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, यानी कि Ind AS 7 क्या बोलता है। जितना कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने AS 3 के मुताबिक पढ़ा है बिल्कुल सेम मेरे बच्चे, फिर Ind AS 7 के अंदर में और हमारा AS 3 में क्या चेंज है, एक छोटा सा चेंज, दैट इज रिलेटेड टू बैंक ओवरड्राफ्ट, जो मैंने क्लास में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। याद कीजिए, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, अगर हम लोगों ने AS 3 को फॉलो किया AS 3 को, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को मैंने कहा है कि आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर में लेना है, लेकिन Ind AS 7 इंडेस की पूरी स्टडी आपको फाइनल में बहुत डिटेल में मैंने कराया हुआ है और बहुत मजे से आप उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन फिलहाल बता दूं कि अगर आप वहां पे, मतलब थोड़ा सा लिंक करता हूं कि कहीं, क्योंकि स्टडी मतलब उन्होंने लिख दिया है Ind AS 7 के मुताबिक में और AS 3 में एक स्लाइट सा चेंज है, दैट इज रिलेटेड टू बैंक ओवरड्राफ्ट। Ind AS 7 कहता है कि भैया बैंक ओवरड्राफ्ट जो होगा ना उससे पैसा आना और जाना हम आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, समझो मेरी बात। हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट का भी क्या करते हैं, हम उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में प्लस माइनस करते हैं ना, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो हम उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आपने लिया है तो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, क्योंकि पैसा आया और गया तो माइनस करेंगे, फिर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कुछ नहीं करेंगे, बाकी सारे प्रोविजन सेम है आपके लिए जितना एप्लीकेबल है। तो मैंने सारी बातें बता दी, बाकी आप मस्त तरीके से पढ़ाई करें, इंजॉय कीजिए एग्जाम को, ये महापर्व मेरे बच्चे लगभग एक साल के बाद आपको मिला इसको इंजॉय करने के लिए, है ना। फिर इसके बाद अब कोरोना खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तो बहुत कुछ है इंजॉय करने के लिए, तो बस अब तो मस्ती है। आप सबको बहुत 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 आपको शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए, दिमाग बस शांत रखना, दिमाग शांत रखोगे एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाती है। अब मैं कैसे लैपटॉप पे टाइप करूंगा, कंप्यूटर पे कैसे टाइप करूंगा, क्या करूं, होम बेस ये वो चक्कर से निकल के आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आप सबको ऑल द बेस्ट, और मुझे पता है आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू बच्चे, थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट आप सबको।